हेलो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में अब समय बहुत कम बचा है और अब वक्त है स्मार्ट स्टडी का। स्मार्ट स्टडी यानी कि पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और उसके बाद अगर समय बच जाता है तो रिमेनिंग टॉपिक्स आपको देखने हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी हर यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो भी अगर आप ये टॉपिक्स अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी बैक तो कभी नहीं आएगी, बल्कि आप 60-70% स्कोर कर सकते हैं अगर इन टॉपिक्स में आपने परफेक्शन हासिल कर लिया है तो। साथ ही जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलरली, उन्हें भी पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और उसके बाद समय बचने पर बाकी टॉपिक्स आपको देखने हैं। तो देखेंगे क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रही हूँ। साथ ही चारों यूनिट के नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और यहाँ से आप इन टॉपिक्स को सर्च करके इनके पीडीएफ नोट्स भी देख सकते हैं। हमारे सिलेबस में चार यूनिट हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। फर्स्ट यूनिट से 30 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेकेंड यूनिट ट्रिग्नोमेट्री से 20 मार्क्स का, थर्ड यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर से 15 मार्क्स का और फोर्थ यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस से 35 मार्क्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगी मिडिल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसी द्विपद प्रमेय के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना या फिर x की किसी घात का गुणांक ज्ञात करना, x की किसी पावर का कोफिशिएंट फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है 6 मार्क्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कवर कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, आंशिक भिन्नों में बदलिए। तो हर साल एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपको सेक्शन बी या सेक्शन सी में मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक है क्रैमर्स रूल यानी कि क्रैमर का नियम। ये आपका डिटर्मिनेंट सारणी का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बल्कि इन सारे जितने टॉपिक्स बता रही हूँ इनमें आपको सबसे पहले जो तैयार करना है वो क्रैमर्स रूल है। आसान भी है, सबको समझ आएगा और हर साल 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो क्रैमर का नियम। इसके बाद आता है फोर्थ टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स या सारणिकों के गुणधर्म, यहाँ से भी आपको सेक्शन बी में एक क्वेश्चन मिलता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स या फिर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम या सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना। तो क्रैमर्स रूल के बाद सेकंड आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, साथ ही ये आसान भी है। तो इनवर्स या फिर एडजॉइंट फाइंड करना किसी मैट्रिक्स का। इसके अलावा समुच्चयों पर ऑपरेशन, ये आपके सिलेबस में टॉपिक जुड़ा है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये टॉपिक आप इसमें से देख लीजिए, इसका भी वीडियो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा 2a 3a, इस तरह के फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सेक्शन सी में भी पूछा जाता है, सेक्शन बी में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लेक्चर्स आप ज़रूर देखिए और इसके नोट्स में भी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अगला टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक होता है जो आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, एग्जाम में लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डी मॉयवर्स थ्योरम, डी मॉयवर प्रमेय, यहाँ से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का मिलेगा सेक्शन सी में। अगला टॉपिक है प्रथम सिद्धांत से किसी फलन का अवकलन, इसमें आपके कोर्स में x की पावर n, साइन x, कॉस x, टेन x, e की पावर x और लॉग x है, इसमें से भी साइन x, कॉस x, 10x, e की पावर x मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो 6 ही फंक्शंस हैं, इनका प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आपको सीखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन और उत्तरोत्तर अवकलन, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी का अवकलन। तो ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है और लगभग हर साल ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आसान जो सबको समझ आएगा डिफ्रेंशिएशन के बेसिक रूल पता होने पर, वो क्वेश्चन ये है। अगला टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन सेक्शन सी में आपको डेफिनेटली 10 मार्क्स का दिखाई देगा। और नेक्स्ट लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज के वीडियो में बता रही हूँ वो है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल बाय डिफ्रेंसिएशन, अवकलन की सहायता से स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से 5 या 6 टॉपिक्स तो मैंने ऐसे बताए हैं कि डेफिनेटली आप सबसे पहले जाके उन्हें तैयार कीजिए। 100% मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से आपका या बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखाई देगा। और बाकी ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं, कोई भी टॉपिक इनसे रिलेटेड आपका छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स आप एग्ज़ाम में अचीव कर सकते हैं, और बैक की तो आप चिंता ही फिर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह की हेल्प मैं आपकी कर सकती हूँ, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।